नमस्कार, सीनियर किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे अरवी के पत्तों के पकौड़े। तो चलिए बनाते हैं। तो बनाने के लिए सामग्री है 1 कप चावल का आटा पिसा हुआ, 10 से 12 लहसुन की कलियां और 10 से 12 हरी मिर्ची, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और स्वाद के लिए नमक और आम की खटाई। बनाने के लिए 10 से 12 फ्रेश अरवी के पत्ते। अब बेसन, तो आइए चलिए बनाते हैं हम। तो अब लेंगे एक बर्तन, इसमें डालेंगे 3 कप बेसन। आप किसी भी अपने बर्तन से आप बना लीजिएगा कैसे डालना है। 3 कप डाल दिए इसमें। इसी कप से मैंने चावल भी भिगोया था 1 कप, जो मैंने पीस रखा है। धनिया पाउडर 1 चम्मच, मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच। अब इन सबको हम मिक्सी में पीस लेंगे। लहसुन, मिर्ची और आम का जो अचार था वो हम इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसा इसका पाउडर हुआ। तो देखिए जैसा चाहिए वैसा इसका पेस्ट बन गया है। इसमें हींग भी मैंने डाला है, किसी को जो खाते हैं वो डाल लें, जो नहीं खाते वो इग्नोर कर सकते हैं। खटाई मैंने इसलिए डाला है कि अरवी के पत्ते से गले में खारिश होती है ना, वो नहीं होगा, इस वजह से इसमें खटाई भर के डालना पड़ता है। और इसमें डालेंगे लमसम 2 चम्मच नमक, जिससे चटपटा हो जाएगी। आटा लिया था पिसा हुआ, चावल का आटा जो लिया था पिसा हुआ, इसी पानी से हम इसको गूंदेंगे। टाइट सा आटा लगाएंगे, ज़्यादा ढीला आटा नहीं लगाएंगे, जो पत्तों पे सही से लिपट जाए, गिरे ना इधर उधर। चावल का आटा डालने से ही होता है कि हमारे जो पकौड़े हैं ना बहुत कुरकुरे और टेस्टी होंगे। लगाने लाए अब इसको साइड में रखेंगे और एक पत्ता ले लेंगे ऐसे। इस पे हम एक एक पत्ते रखेंगे ऐसे करके, पत्ते हम पलट के रखेंगे ऐसे करके, ठीक है। फिर उस पे ऐसे लगाएंगे इसको, जैसे बिल्कुल गोंद की तरह बल से लग जाएगी। जैसे ये पत्ते ऐसे लगाए बिल्कुल ठीक है, तो उसके ठीक अपोजिट
इस पत्ते को आपको ऐसे रखना है और फिर इसको ऐसे करना है। अगर आपका बेसन ज़्यादा टाइट हो तो थोड़ा बहुत पानी डाल के आप ढीला कर सकते हैं, जिससे हाथ आसानी से लगाने में आपको आसानी से सुविधा रहे। ऐसे फिर आप सारे पत्तों को अपोजिट ही रखेंगे और उल्टा उल्टा करके रख के ऐसे बेसन को लगाते चले जाएंगे। चिकनाई इतनी होती सीधे पन्ने पे, बेसन रुकेगा ही नहीं। और आप जितना चाहे मोटा पतला जैसे भी चाहे आप फिर उसको वैसे बना सकते हैं, चौड़ाई लंबाई जितना भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अब देखिए ऐसे कंप्लीट हो गया, इतनी मोटी लेयर हो गई है इसकी, ऐसे भी। अब इसको हम दोनों तरफ से फिनिशिंग देंगे, इसको इधर से ऐसे मोड़ेंगे। इसको टाइट हाथ से पकड़ के दोनों तरफ से सपोर्ट करके और ऐसे अंगूठे की मदद से ऐसे पूरा रोल बना देंगे। इसके अंदर पानी ना जाए इसके लिए इसके मुंह को अच्छे से बंद कर देंगे। बनके कितना अच्छा तैयार हो गया। अब ऐसे जितने भी खाने आपको आप बना सकते हैं। देखिए 10 से 12 पत्तों में हमारा ये दो बने हैं, बनके तैयार हैं। थिकनेस इसकी ऐसी है, देख सकते हैं। अब हम इसको स्टीम करेंगे, तो उसके लिए हमने लिया है कुकर, उसमें 4 कटोरी रखी है। अब इसमें हम डालेंगे इसी कटोरी से 1 कप पानी। ये देखिए ज़्यादा पानी नहीं रखना है, नहीं तो वो थोड़ा सा और डाल देते, नहीं तो भाप बन के जो पानी ऊपर आएगा ना तो वो पत्तों में से जितना भी मसाला है वो निकल जाएगा। अगर आपके पास स्टीम करने के लिए है स्टीमर तो आप उसमें भी कर सकते हैं। इसको हम बंद कर देंगे। कुकर है तो आप इसमें 2 से 3 सीटी लगा सकते हैं। अगर अल्मुनियम का कुकर है तो सिर्फ उसमें 2 ही लगाइएगा।
क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम स्टीम होने में लगता है और इसमें कुकर में कम टाइम लगता और गलता भी कम है। इसलिए अब चलिए गैस जलाते हैं। देखिए गैस जलाते हैं, गैस नॉर्मली रखा है। अब इसके ऊपर हम कुकर रख देते हैं और दो सीटी आने तक इसको वेट करते हैं। नॉर्मल पे ही फ्लेम पे रखेंगे कुकर को। दो सीटी आने तक हमने गैस बंद कर दिया था। अब इसमें से हमने गैस निकलने तक का इंतज़ार किया था। अब इसे खोल के देखते हैं कि कैसा हुआ है। देखिए बहुत अच्छे से हो गया ये। तो देखिए इसे फॉक से हम चेक कर लेंगे। देखिए बिल्कुल भी हमारा इसमें बेसन लग के नहीं आया, यानी कि ये उबल के कंप्लीट हो गया। अब फॉक के मदद से हम इसको देखिए दोनों कैसे अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब इसको पतले पतले पीस में इसको काटेंगे। ये देखिए ऐसे हम सारे पीस को ठंडा करके ही काटना, ठंडा करके ही कटेगा ये सही से, क्योंकि गर्म में तो ये टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। ऐसे कट के तैयार हो गया है। अगर आप पत्ते ना पके हो तो आप दोबारा भी उसमें स्टीम कर सकती हैं, काट के चेक कर सकती हैं और कुकर में थोड़ा सा और फालतू पानी डाल के दो सीटी तीन सीटी और लगा सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए जो हमारा मसाला था बचा थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि हम इसमें पानी ऐड करेंगे तो नमक थोड़ा सा और डालना पड़ेगा इसमें। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर। अब गैस जला लेंगे, इसको फ्राई में रखेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे ऑयल, ऑयल कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। अभी हम बनाएंगे बिना तेल के, थोड़ा सा हल्के सेक के जो खाते हैं वो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। अब इसको गर्म होने तक थोड़ा सा वेट करेंगे। तो हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, जीरा हमारा चटकने लगा है। और इसको हम एक एक पीस करके ऐसे सेकने के लिए रखेंगे। जब तक हमारा सिकता है मांस पे, जब तक ये सी मांस पे सिकता है तब तक हम पकौड़ों के लिए ग्रेवी तैयार कर लेंगे। इसमें डाले थे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको थोड़ा सा और ढीला कर देंगे ऐसे। फॉर्म में कर देंगे इसमें उस पर कोटिंग हो सके। इसको फॉर्म की मदद से
सबको पलट लेंगे। दूसरी तरफ भी अच्छी तरह सिकने देंगे इसको। ये देखिए कितना अच्छा हो गया लिक्विड इसका, कितने अच्छे से ये ब्राउन हो गए हैं और सिक गए हैं। अब हम इसको एक एक करके देखिए, एक तो तरीका आपका ये हो गया खाने का। अब दूसरे तरीके से हमने ये लिक्विड बना लिया है और फैन को साफ करेंगे। हमारा फैन गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे ऑयल। में ऑयल गर्म हो गया है, अभी गला ज्यादा मतलब काट रहा है, मतलब लग रहा है गले में, तो आज में नींबू का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब आप पेस्ट बनाइएगा तो उसमें नींबू डाल लीजिएगा। कोई नींबू खाता है कोई नहीं खाता है, इस वजह से मैंने इसमें नींबू नहीं डाला है। तो देखिए अब ये सिक गया अच्छे से। अब इसको भी हम गैस को कम फ्लेम कर देंगे और एक एक करके निकाल लेंगे। ये बेसन से कोटिंग करा हुआ पकौड़ा और ये बिना बेसन से कोटिंग करा हुआ, आप इसे दोनों तरीके से खा सकते हैं, चाय कोल्डिंग किसी भी तरीके से किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। एंजॉय करिए और खाइए, खा के बताइए कि कैसा बना है और हमें भी अपना अनुभव बताइएगा। तो दोनों डिशों को खाइए और एंजॉय करिए और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।